राघव ने कुछ देर आसपास देखा और कुछ सोचता हुआ कहा, यहाँ हमारे पास कौन कौन से हथियार और डिवाइसेस हैं? क्या मैं देख सकता हूँ? बिल्कुल राघव भाई, यहाँ आओ, दिबांग बोला और राघव को दूसरे कैंप में ले गया जहाँ हथियार रखे गए थे। वहाँ बाकी के सैनिक पहले से ही पहरा दे रहे थे। राघव ने आकर देखा कि वहाँ बहुत सारे हथियार और उपकरण थे, मुख्य रूप से असॉल्ट राइफलें और पिस्तौलें, साथ ही स्नाइपर राइफलें, स्टोनर लाइट मशीन गन और कुछ माइन बॉम्ब्स, एंटी इन्फेंट्री माइन और ना जाने क्या क्या। राघव ने उस बीच से एक नाइट विजन दूरबीन उठाया और एक टैक्टिकल असॉल्ट चाकू को अपने पैर पर स्ट्रैप के साथ पिन किया। उसने अपनी आंखें घुमाई और कुछ देखते ही उसकी आंखें चमक गईं। वो सामने वाले टेबल पर चला गया और एक स्नाइपर राइफल मुस्कुराते हुए उठा लिया। आई एम शॉक्ड कि तुम यह स्पेशल M82 भी लेकर आए हो, ये गन मुझे बहुत पसंद है। राघव ने स्नाइपर राइफल को अपनी पीठ पर रखा और एक दो टाई 54 पिस्तौल उठा ली। राघव खुद को पूरी तरह से हथियारबंद करने में लगा हुआ था। अभिलाष और उसके बगल में खड़े लोग थोड़ा हैरान थे, उन्हें नहीं मालूम था कि राघव क्या करने वाला है। राघव तो बस पैसे देकर फिलहाल गौरव को बचाने आया था, फिर इतनी सारी गन्स की उसे क्या जरूरत। स्टॉर्मी कुछ कुछ समझने लगा था। वो अपना बड़ा सा शरीर लिए राघव के व्यवहार को देखने के बाद अपने हाथ में एक स्टोनर जनरल मशीन गन उठाई और धीमी आवाज में कहा, राघव भाई, क्या तुम आज रात ही उन कमीनों को मारने जा रहे हो? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, स्टॉर्मी, मेजर गौरव और बाकी साथी अभी भी दुश्मनों के हाथों में हैं। हम अभी कैसे लड़ सकते हैं? तुम इस कैंप और यहाँ स्टॉक हाउस इन्वेंट्री में बने रहना। मैं रात का लाभ उठाकर दुश्मन के बेस कैंप के चारों ओर घूमूंगा और उनके वीक पॉइंट्स को छोड़ूंगा। मगर हाँ, इससे पहले कि मैं वापस आऊं, आप में से कोई भी कोई एक्शन नहीं लेगा। अभिलाष और अन्य लोग समझ गए कि राघव दुश्मन के कैंप के खिलाफ रात का फायदा उठाते हुए रैकी करने की योजना बना रहा था। राघव भाई, क्या तुम अकेले जाओगे? हम एक टीम भेज देते हैं ना तुम्हारे साथ, अभिलाष पूछने से खुद को रोक नहीं सका। अभिलाष, ये सब तो छोटे छोटे काम है, इसमें टीम की क्या जरूरत, मैं अकेला ही काफी हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी अगर ज्यादा लोग होंगे तो हमारे पकड़े जाने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द लौट आऊंगा। वैसे भी टाइगर लिबरेशन फ्रंट तो बेस कैंप में है और ये बाहरी छुटपुट सेनाओं को संभालना मेरे लिए आसान होगा, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, राघव ने शांत स्वर में कहा, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ। अभिलाष, स्टॉर्मी, दिबांग और बाकियों ने सिर हिलाया। वे निश्चित रूप से राघव की ताकत को जानते थे, इसलिए संदेह करने की तो बात ही नहीं थी। उन्होंने 3 साल पहले नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले आतंकवादियों का पीछा करने के दौरान राघव की अथाह ताकत को काफी करीब से देखा था। वो सब जानते थे कि अगर राघव फार्म में आ गया हो तो फिर उसका कोई सानी नहीं था। बहरहाल, राघव ने तब अभिलाष और अन्य लोगों को कुछ बातें कही, कुछ समझाया और फिर उसने अकेले अपना रास्ता तय करना शुरू कर दिया। राघव कैंप के सामने से सीधे रास्ते पर आगे नहीं बढ़ा। उसकी एक सबसे अच्छी आदत थी कि वो अपने दुश्मन को हमेशा अपने बराबर का समझता था। उसे हमेशा सभी ट्रेनीज को भी ये सुझाव देता सुना जाता था कि आदमी को इन खुफिया ऑपरेशन में 1 कदम आगे नहीं बल्कि 2 कदम आगे रहना चाहिए, जिसके लिए सबसे पहले अपने दुश्मन को भी अपने बराबर का समझना जरूरी था। जैसे कि अभी ही राघव ने अनुमान लगाया कि अगर उसे रैकी करने का आइडिया आया है तो हो सकता है कि टाइगर लिबरेशन फ्रंट में भी किसी को ये बात क्लिक की हो, और उस हिसाब से उसका मानना था कि हो सकता है दुश्मन सेना निश्चित रूप से इस कैंप में अभिलाष की हर हरकत पर नजर रखने के लिए स्काउट्स भेजे, इसलिए उनसे 2 कदम आगे रहते हुए वो सीधा रास्ता लेगा ही नहीं जिससे दुश्मन सेना के गुप्त स्काउट्स को उसके कार्यों का पता लग सके। राघव के तैयार होने के बाद वह कैंप से बाहर चला गया, कैंप के पीछे के चारों ओर चक्कर लगाया और फिर दुश्मन कैंप की ओर चुपके से बढ़ गया, जहां अंधेरी रात में दाहिनी ओर पहाड़ के जंगल से टाइगर लिबरेशन फ्रंट तैनात थी। जंगल में पहुंचते ना जाने राघव को क्या हो जाता था, उसे कोई चलता देख ले तो साफ लगेगा कि वो ही राजा है। जंगलों के मिशन करते करते राघव इस तरह से मिशन से इतना आदि हो गया था कि अब शायद इतनी अच्छी तरह से कोई इस टेरेन में ऑपरेट कर सकता हो। इस समय राघव की अपनी आभा पूरी तरह से कम हो गई थी, उसके कदमों की आहट भी बिल्कुल हल्की थी, उसकी हरकतें और भी ज्यादा खामोश। वह रात के साथ विलीन होता हुआ सा लगता है और खुद को पूरी तरह से ढकने के लिए आसपास के पेड़ों और इलाके को कवर के रूप में इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ता है। उसकी गति धीमी नहीं है, मगर उसकी कॉशन एबिलिटी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। उसकी आंखें, जो गहरे समुद्र की तरह शांत हैं, ऐसी लगती हैं मानो रात में क्रूर जानवर शिकार करने निकला है। निश्चित रूप से उनके सामने एक छोटा पहाड़ था। अभिलाष और अन्य लोगों ने जो कहा उसके अनुसार यदि आप इस निचले पहाड़ पर चढ़ते हैं
तो आप उस कैंप को देख पाएंगे जहां टाइगर लिबरेशन फ्रंट तैनात है। राघव ने चुपके से गहरी सांस लेने के बाद आगे बढ़ना शुरू किया। बस जब वह पहाड़ पर चुपके से चढ़ना शुरू करने ही वाला था कि अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने अचानक अपने सामने कई तरह की आवाज आने को महसूस किया। आधी रात के 3 बजे थे। कुछ आवाजें महसूस करने के बाद राघव की हरकतें भी धीमी हो गई। उसका मानना था कि इस छोटे पहाड़ी जंगल में घात लाकर बैठे लोगों को निश्चित रूप से उसने वहां होने के अस्तित्व के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। राघव की आंखें और भी चमकीली हो गई थी। वह उस दिशा में चलता हुआ रुक गया जहां से आवाजों के उतार चढ़ाव आ रहे थे। सब कुछ बिल्कुल काला था, इतना काला जैसे अदृश्य हो। फिर भी इसने राघव के कार्यों में कोई बाधा नहीं डाली। उस एक्सपीरियंस की आंखों से साफ दिख रहा था। राघव जितना करीब जा सकता था चला गया, क्योंकि इस बार उसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन के कैंप को खंगालना था और उसने इन घात लगाने वालों को फिलहाल मारने के बारे में नहीं सोचा था। इसलिए दुश्मन को डराने या हमला करके उनकी हत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। राघव कई पेड़ों से बने बंकर में घात लाकर बस बैठा हुआ था। उन्होंने नाइट विजन दूरबीन निकाली और उन सीधा कैंप के अंदर के नजारे देखने लगा। उसने जब आगे की ओर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसका अंदाजा एक बार फिर सही निकला था। आगे उस पहाड़ के फ्रंट साइड में राघव ने देखा कि लगभग 5 या 6 लोग घात लगाए जमीन पर लेटे हुए थे। उनके हाथों में भी दूरबीन थी और सभी पहाड़ की ऊंचाई से सीधे आगे की तरफ ही देख रहे थे। इन्हीं सीधे रास्तों के आगे वो कैंप है जहां बिलाश, स्टॉर्मी और अन्य स्थायी रूप से तैनात थे। जाहिर है ये लोग दुश्मन सेना द्वारा भेजे गए स्काउट थे और वे अभिलाष के कैंप की गतिविधियों को कभी भी और कहीं भी देख सकते थे, ठीक वैसे जैसे राघव यहां कर रहा था। बस अंतर यह था कि राघव उनके बारे में जानता था और वो नहीं। राघव के लिए नॉर्मल था। वो जानता था कि चूंकि टाइगर लिबरेशन फ्रंट ने काफी बड़ी मछली को कैद करने का साहस किया था, वो जितना हो सके अपना कदम फूंक फूंक कर रखना चाहेगी। राघव ने कुछ समय के लिए इस स्थिति को ऑब्जर्व किया और फिर कुछ भी अलग नहीं पाकर धीरे धीरे पीछे हट गया। उसने अपने शरीर को मोड़ा और दूसरी दिशा से टाइगर लिबरेशन फ्रंट के स्काउटिंग सैनिकों को बाईपास कर दिया। राघव चुपके से पहाड़ पर चढ़ गया और अपनी गति के साथ वह जल्दी से छोटे से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया था। रास्ते में उसे किसी और एम्बुश का सामना नहीं करना पड़ा था। पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के बाद राघव पहाड़ की चोटी से चुपके से दूसरी तरफ नीचे उतरने लगा। उसे मालूम था कि उस साइड पर कोई भी तैनात नहीं होगा। जब वह 1 किलोमीटर से अधिक तक चुपके से आगे बढ़ता रहा तो उसे अपने सामने रोशनी को अस्पष्ट रूप से देखा। ऐसा लग रहा था कि झिलमिलाती रोशनी उस कैंप की थी जहां मेन सेना तैनात थी। यह आने का मतलब है कि वह दुश्मन सेना कैंप की चेतावनी सीमा में प्रवेश कर गया है, जिसे राघव ने सावधानी से काम करना शुरू कर दिया। अचानक राघव को अपनी तरफ एक लाइट बीम आती दिखी। वो राघव के बाईं ओर से उसकी तरफ आ रही थी। राघव ये जानते हुए कि टाइगर लिबरेशन फ्रंट की सेना कैंप की सर्च लाइट है, एक पेड़ के पीछे छिप गया। लाइट लगभग उस तक पहुंच गई थी। राघव का ध्यान इस पर पहले नहीं गया था। सर्च लाइट होने का सीधा अर्थ था कि कैंप में निगरानी चौकियों के रूप में मीनारे बनी हुई थी, जिसका काम था बीच बीच में आसपास के एरिए की निगरानी करते रहना। सर्च लाइट बंद होने के बाद राघव अंधेरे में वापस बाहर आया। उसका चेहरा झील की तरह शांत था, उसकी आंखें बिल्कुल पैनी थी और वह लगातार अपनी गति से आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे राघव करीब आता गया, प्रतिद्वंदी के कैंप से नग्न आंखों से प्रकाश के साथ वे कैंप की सामान्य रूपरेखा को अस्पष्ट रूप से देख सकता था। राघव चुपके से कैंप से लगभग 500 या 600 मीटर की दूरी तक पहुंचकर रुक गया। इस स्थिति से उसने पहले से दूरबीन के माध्यम से कैंप के चारों ओर गश्त कर रहे सैनिकों की टीम को देख लिया था। राघव ने छिपे हुए इलाके को चुना और वहां घात लाकर बैठ गया। जिस M82 स्नाइपर राइफल को वह अपनी पीठ पर लाद कर यहां तक लाया था, उसने उसे जमीन पर रख दिया। अभी उसका इरादा लंबी दूरी से स्नाइपर की तरह हमला करने का नहीं था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसकी जरूरत भी पड़ जाए। राघव ने नाइट विजन दूरबीन के माध्यम से कैंप का निरीक्षण करना शुरू किया। उसके सामने कैंप का स्थान पहाड़ों और जंगलों में खुली जगह थी और उन पर सैटेलाइट एंटीनाज वाली 6 या 7 इमारतें थी और कांटेदार तारों से घिरा पूरा एक ग्राउंड था। राघव ने देखा कि कैंप के चारों कोनों पर 7 या 8 मीटर की ऊंचाई के साथ मीनारे बनी है। ये मीनारे कैंप में ओवरव्यू पोस्ट है। मीनारों पर सर्च लाइट है और उन पर 3 से 4 सैनिक है जो प्रभारी है पूरे कैंप के रखवाली के। राघव ने नाइट विजन गॉगल्स को नीचे रख दिया और उसके सामने स्नाइपर राइफल उठाई और टावर के शीर्ष पर निशाना साधा। स्नाइपर राइफल के माध्यम से वह टावर पर स्थिति को और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता था। प्रत्येक टावर पर एक मशीन गन के साथ 4 सिपाही मौजूद है, जिसका मतलब है कि यदि आप इस कैंप पर हमला करना चाहते हैं तो पहले इन 4 मीनारों पर खड़े सैनिक से निपटना होगा। कैंप के गेट की ड्यूटी पर सैनिकों की टीम खड़ी थी।
प्रत्येक सतर्क नजर से आसपास की स्थिति को घूर रहा था। इस तरह राघव ने टाइगर लिबरेशन फ्रंट कैंप की सामान्य स्थिति को देखा और जिस स्थान पर गौरव और अन्य को हिरासत में ले लिया गया था वो कैंप में इन इमारतों में से एक होना चाहिए, लेकिन उसे नहीं पता कि ये कौन सा है। राघव कई रात के अंधेरे में इतने करीब जाकर कोई जोखिम तो नहीं उठा रहा। क्या वो सही सलामत वापस आ पाएगा? क्या उसे मालूम पड़ेगा कि गौरव और बाकी साथी आखिर कहाँ है? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर कमांडो राघव